हेलो एवरीवन, आई एम मैक सोनी और कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था एंडोक्राइन सिस्टम का, हार्मोन का और हाइपोथैलेमस हमने कंप्लीट किया था। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी है वो सेलर टर्सी का बोनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। इसके लिए हम एक वीडियो क्लिप देखेंगे, एनिमेटेड है, आप उसको देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती कैसी है। तो जैसा कि हमने हमारी वीडियो में देखा पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, इसमें हमें दो लोब दिखे, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब। तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसके फिर से दो पार्ट्स होते हैं, पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया। पास डिस्टेलिस हमारा ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी जिसको बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको मेमोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH हार्मोन, इन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। और हमारा पास इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसका नाम है मेलानोट्रोफिन हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट होता है पास नर्वोसा। न्यूरो हाइपोफाइसिस दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। न्यूरो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता तो हाइपोथैलेमस, और हमारा पास इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसका नाम है मेलानोट्रोफिन हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट होता है पास नर्वोसा। न्यूरो हाइपोफाइसिस दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। न्यूरो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन वहाँ से न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस में कलेक्ट होते हैं और यहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में हार्मोन्स बनते नहीं हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस केवल उनको सिक्रीट करने का काम करता है। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है चाइल्डहुड कंडीशन में तो उसकी वजह से जाइजेंटिज्म हो जाता है जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। मिड एज में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो उसकी वजह से एक्रोमिगेली होती है। एक्रोमिगेली और जाइजेंटिज्म दोनों में ही अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, पर एक्रोमिगेली जो है वो अडल्ट कंडीशन में होता है, मिड एज में होता है जनरली। और अगर इसमें समय रहते हमें कंट्रोल नहीं किया हमने इसको तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा उसका हाइपोसिक्रीशन होता है तो उसकी वजह से पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन होता है। फिर हम देखेंगे TSH। TSH हार्मोन नाम से पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो उसके हार्मोन्स को रिलीज करें, T3 T4 हार्मोन को रिलीज करें। फिर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा और उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम के स्टेरॉयडल हार्मोन को सिक्रीट करने का सिग्नल देगा। उसके बाद LH और FSH, ये दोनों गोनेट्स पर काम करते हैं इसलिए हम इनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। LH और FSH मेल और फीमेल की बॉडी पे अलग अलग तरह से काम करते हैं। LH हार्मोन जो है वो मेल की बॉडी में एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, और FSH जो है वो स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स होती हैं उस पर काम करता है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। इस तरह से एंड्रोजन और FSH दोनों मिलकर के स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करवाते हैं। अब फीमेल में देखते हैं, फीमेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ग्राफेन फॉलिकल, मेच्योर ग्राफेन फॉलिकल से ओवोल्यूशन करवाता है और बचे हुए ग्राफेन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। और FSH हार्मोन जो है वो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। और हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए काम करता है। फिर हमारा मेलानोट्रोफिन हार्मोन, ये हार्मोन मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स पर काम करता है, पिगमेंटेशन करवाता है। देन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करेगा और मिल्क इजेक्शन का काम करेगा। यहाँ आपको ध्यान देना है प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को प्रोड्यूस करवाएगा लेकिन उसको इजेक्ट करवाने का काम, उसके इजेक्शन का काम जो है वो ऑक्सीटोसिन करवाएगा। देन वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन का नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है, तो ये
यूरिनेशन के टाइम पर वाटर लॉस को रोकेगा, और इसकी कमी की वजह से अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से वाटर लॉस ज्यादा होता है यूरिनेशन के टाइम, तो इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम स्टार्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड, पर इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बार छोटा सा एनिमेटेड वीडियो है उसको देखें कि पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है और किस तरह की हमें दिखती है। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है वो फोर ब्रेन के डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है और मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी बॉडी के स्लीप वेल साइकिल और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।